पीकॉक घबराया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद है इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद उमर और आप देखते हैं जबरदस्त चैनल नोबी रिएक्शन। तो हाँ भाई इंडियन, कैसे हो, फिट हो, मज़े में हो? तो यार सुबह सुबह इंटरनेट पे एक धमाकेदार न्यूज़ मिली है और एक धमाकेदार एक क्लिप वायरल हो गई है। और वो ये क्लिप थी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीएम मोदी साहब पीकॉक के साथ उनको जो खाना खिला रहे हैं, तो वो काफ़ी वायरल हुई है। एक नाइस जेस्चर था, तो वो काफ़ी इंडियन न्यूज़ चैनल पर वो ना पोर्ट्रे कर रहे थे और उसकी वो लाइव ट्रांसमिशन और ये न्यूज़ हेडलाइंस वगैरह चला रहे थे। तो सोचा मैं भी देखूं कि मतलब क्या सीन है भाई। तो लेट्स चेक आउट। वीडियो देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ बेल आइकन होगा वो भी प्रेस कर देना, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का चैनल है भाई, उनको सब्सक्राइब करें। तो लेट्स चेक आउट, 3, 2, 1, हियर वी गो। ओहो ये है, मोर बोलते हैं पाकिस्तान में इसको, पीकॉक। प्रीशियस मोमेंट पीएम मोदी फीलिंग पीकॉक्स एट हिज रेजिडेंस। ओके ओके, खुद खिला रहे हैं अपने हाथों से भाई, खिला रहे हैं। पीकॉक घबराया हुआ है, मजाक के अलावा पीकॉक घबराया हुआ है भाई। मतलब प्राइम मिनिस्टर है, आम बंदा थोड़ी है। वो सोशल वो मास्क वगैरह पहने हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस पे आ रहा है भाई, और सबसे अच्छी बात ग्रीनरी काफी अच्छी है, मतलब इको एनवायरनमेंट काफी अच्छा है। नाइस। तो यार वीडियो के रिव्यू की बात करें तो एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीएम मोदी साहब की जानिब से एक नाइस जेस्चर था, एक अच्छा जेस्चर था। और एक हमें सीखना चाहिए उनसे कि जैसे उन्होंने एक संदेश दिया, एक पैगाम दिया कि जानवरों से इस तरह मोहब्बत की जाए। लेकिन यार हम में और आप में से बहुत से इस तरह के लोग होते हैं जो जानवर पर तशद्दुद करते हैं, उनको मारते हैं बिला वजह। अगर आप जा रहे हो रास्ते में कुत्ता दिखा, फटा पकड़ा, मार दिया। आल्दो के हमारे जो मज़हब है उसमें कुत्ता एक हराम चीज़ है, लेकिन वो खाने के लिए हराम है। वैसे अगर आप किसी पर जुल्म करते हो, किसी जानवर पर जुल्म करते हो ना, तो वो आपकी मतलब कोई भी दुनिया का ऐसा मज़हब नहीं है जिसमें जानवरों को तशद्दुद करना मतलब एक अच्छा समझा जाता है। वो सब बुरा समझते हैं। और जिस तरह अब दुनिया में जानवरों की सेफ्टी और उन पर जो जिस तरह का तशद्दुद किया जाता है, तो उसके साथ जो डिपार्टमेंट्स हैं और जो मतलब इदारे बने हुए हैं वो जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह काम कर रहे हैं, वो एक अच्छा जेस्चर है। तो यार पूरी दुनिया अब देखेगी कि एक अच्छा मैसेज दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीएम मोदी साहब ने, और तो दुनिया की नज़र में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का एक अच्छा इमेज और बिल्ट हो जाएगा, आगे ही अच्छा है और एक और अच्छा बिल्ट हो जाएगा। तो यार बात सिर्फ इतनी है कि हमें सीखना चाहिए और हमें मतलब कोशिश करनी चाहिए कि हम जो इस तरह की गंदी आदतें अपने अंदर डाल चुके हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं करता नहीं, लेकिन फिर भी मैं यार सबकी तसली के लिए वो फिर कमेंट में बोलते हैं ना कि अड्डा दूर रह गया, तो भाई मैं अपने आप को भी बीच डालता हूँ। तो हम सबको यार मिलके मतलब इस जानवरों को जो तशद्दुद करते हैं तो उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीएम मोदी साहब ने जो एक नाइस जेस्चर दिया है उसको एक फॉलो करना चाहिए। और एक अच्छा मैसेज है ह्यूमैनिटीज़ के लिए कि जो एनिमल्स हैं उनकी भी लाइफ में
मैटर करती है यार। इंडिया मीडिया में ये टॉपिक की वीडियो काफ़ी ट्रेंडिंग में जा रही थी और मतलब वो अच्छा प्रमोट कर रहे थे और मैंने सोचा रिएक्शन दिया जाए। और पहली दफ़ा मैंने आज प्राइम मिनिस्टर हाउस जो इंडिया का वो देखा है और मतलब काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है और ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है। तो लिटरली मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस इंडिया का कैसा होगा। तो अभी देख लिया, अभी थोड़ा बहुत ही देखे, इतना ज़्यादा नहीं देखा। तो बीच में एक फ़नी मोमेंट भी आया था वीडियो के दरमियान के वो पीकॉक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पीएम मोदी साहब खाना खिला रहे हैं, और जो भी चारा खिला रहे हैं तो वो ऐसे डर के खा रहा है। मैंने बोला कि भाई पीकॉक भी डर रहा है इस वजह से कि भाई सामने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बैठा हुआ है, कोई मतलब छोटी शख्सियत नहीं, तो पीकॉक भी डर रहा है उससे। यार आज एक छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो थी, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और जानवरों का ख्याल ज़रूर रखें।